है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ठाकुर जी टेक्निकल में। सो गाइस, फाइनली आईफोन 14 सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, ग्लोबली लॉन्च हो गया है। कल इवेंट था आईफोन का, एप्पल का इवेंट था 7 सितंबर को, और फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। उसमें लॉन्च किया गया आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स, चार वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं। तो क्या अपडेट है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या यहाँ पे नए फीचर ऐड किए गए हैं, और साथ ही साथ इंडिया में क्या प्राइस होने वाला है ये चारों डिवाइस का, वो सारी डिटेल में आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको भी जानना है तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे चार वेरिएंट है आईफोन में। तो यहाँ पे आईफोन 14 सीरीज में तो सबसे पहला है आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे किस फोन में कितना ज्यादा अपग्रेडेशन है, चेंजेस क्या क्या आए हुए हैं, चारों फोन की बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दूं सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस किया गया है, वो किया गया आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में। तो ये कमाल का होने वाला है, काफी कमाल का यहाँ पे चेंजेस किया गया है। तो यहाँ पे ही बात करेंगे आईफोन 14 से सीरीज के बारे में, क्या क्या चेंजेस है और साथ ही साथ इंडियन प्राइस क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पे आईफोन 14 से। आईफोन 14 की बात करें और यहां पे डिजाइन की बात करें तो यहां पे आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस की, तो यहां पे दोनों की डिजाइन यहां पे सेम है। सेम कैसा है, यहां पे आईफोन 13 जैसा सेम डिजाइन है। जैसे कि आप आगे से देखो, पीछे से देखो, सेम आईफोन 13 जैसा आपको लुक और डिजाइन देखने को मिलेंगे। यहां पे बात करते हैं यहां पे डिस्प्ले की बात करें तो यहां पे आईफोन 14 में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि सुपर रेटिना डिस्प्ले है, जो कि आपको आईफोन 13 में भी मिलता है। और यहां पे बात करें कि यहां पे डिस्प्ले तो हो गया, डिस्प्ले सेम मिलेंगे, जो आपको आईफोन 13 में मिलेगा ना भाई साहब, वो सेम आपको आईफोन 14 और 14 प्लस में मिलेगा। जो मेजर चेंजेस किया गया है थोड़ा बहुत वो हम आपको बताएंगे। तो मेजर चेंजेस क्या है आईफोन 14 में, आईफोन 14 प्लस में, यहां पे फ्रंट कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का कैमरा उसमें भी मिलता है, 12 मेगापिक्सल का इसमें भी मिलता है 14 में और 13 में। तो यहां पे चेंजेस ये किया गया है ऑटो फोकस, भाई साहब इसने ऑटो फोकस दे दिया, बस यहां पे यही चेंजेस है। और ऐड किया गया है कुछ फीचर भी ऐड किया गया है, जो कि है यहां पे इमरजेंसी, यहां पे SOS यानी कि क्रैश डिटेक्शन। अगर बाय चांस आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि हां आपका कार मतलब एक्सीडेंट हो गया है, और जो भी यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है, जो भी नियर बाय यहां पे इमरजेंसी नंबर होगा, उस पे कॉल आपका फॉरवर्ड हो जाए, ऑटोमेटिक कॉल होगा, आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कॉल होगा और वहां पे आपका कॉल डिटेल वगैरह सारी चीजें सेव कर दी जाएगी, लोकेशन वगैरह वहां से फौरन आ जाएंगे और आपको जो भी चीजें है वो कर सकते हैं। सो गाइस, यहां पे साथ ही साथ यहां पे बैटरी को भी इंप्रूव किया गया है, यहां पे 20 आवर्स का यहां पे बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेंगे आईफोन 14 में, और यहां पे 14 जो प्लस है उसमें मिलेंगे आपको 26 आवर्स का। तो यहां पे ज्यादा अपग्रेड किया गया है, क्यों किया गया वो भी बता दूंगा। और साथ ही साथ यहां पे जो आपको आईफोन 13 में बायोनिक चिप मिलता है ना, A15 बायोनिक चिप, वो सेम आपको आईफोन 14 आईफोन 14 प्लस में मिलेंगे, नो चेंजेस। यहां पे एक और चीज ऐड किया गया, कैमरा के फीचर में ऐड किया गया, जो कि एक्शन मोड होगा। अगर आप कितना भी यहां पे फास्ट दौड़ोगे या एक्शन जो मोड होता है वहां पे, इसको स्टेबलाइजेशन कर देगा बहुत काफी, मतलब हद तक कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे काफी कमाल का स्टेबलाइजेशन है, तो यहां पे एक्शन मोड को भी ऐड किया गया है। साथ ही साथ यहां पे रैम को भी इंक्रीज किया गया है, जो कि आपको बता दें आईफोन 13 में आपको 4GB का रैम देखने को मिलता था, बट यहां पे 6GB का रैम देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें अपग्रेड की गई है। यही चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बैटरी का चेंजेस किया गया, उसके बाद यहां पे आपको देखने को मिलेगा यहां पे सेल्फी में जो ऑटो फोकस है वो करने को मिलेंगे, और साथ ही साथ यहां पे रैम को इंक्रीज किया गया है। वही दो तीन चीजें यहां पे चेंजेस किया गया है, वरना एवरीथिंग लाइक यहां पे आईफोन 13, सब चीज आईफोन 13 जैसा मिलता जुलता है, डिजाइन भी मिलता जुलता उसी की तरह है। बट यहां पे प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस का काफी कमाल का यहां पे प्राइस भी रखा गया है, जैसा यहां पे क्या ही बताऊं, यहां पे प्राइस भी बहुत ये है। और साथ ही साथ यहाँ पे सेम नॉच, सेम iOS सॉफ्टवेयर, सेम IP रेटिंग मिलेगा, जो कि आपको आईफोन 13 में भी मिलता है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, और अब बताता हूँ आपको आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस में क्या डिफरेंस है। सब चीज़ बैटरी,
का एक डिफरेंस है। बैटरी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 26 आवर का बैटरी बैकअप मिलेगा आईफोन 14 प्लस में आपको 26 आवर का, और यहाँ पे आईफोन 14 में 20 आवर्स का। तो ये एक चेंजेस किया गया है 14 प्लस में। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे इनका डिस्प्ले यहाँ पे बड़ा कर दिया गया है, 6.7 इंच का कर दिया गया है, और सुपर रेटिना वगैरह सब चीज सेम है। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले को बढ़ा दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप को 26 घंटे का यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो यही iPhone 14 और iPhone 14 प्लस में चेंजेस है, और कुछ चेंजेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की प्राइस की। प्राइस क्या है iPhone 14 की, प्राइस बात करें इंडियन रुपीज में तो यहाँ पे 79,900 यानी कि 80,000 रुपया इंडियन रुपीज में iPhone 14 का प्राइस है। बात करते हैं iPhone 14 Plus का, तो यहाँ पे iPhone 14 Plus का 89,900 यानी कि 90,000 रुपया इंडियन रुपीज में, और कुछ यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे प्राइस इसका देख सकते हो। अगर आपके पास iPhone 13 है और चाहते हो iPhone 14 लेना, तो मैं बोलूँगा आप iPhone 14 ना ही लो तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पे दो तीन चेंजेस किए गए हैं, उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max की। तो यहाँ पे ये दोनों गेम चेंजर हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फीचर ऐड किए गए हैं, काफ़ी कमाल का यहाँ पे, काफ़ी दमदार यहाँ पे फ़ोन बनाया गया है, काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे होने वाला है ये फ़ोन। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं दोनों की, स्पेसिफिकेशन जानेंगे, स्पेक्स जानेंगे कि क्या क्या है, सेम होने वाला है, बट यहाँ पे जो मेजर चेंज है वो लास्ट में बता दूंगा कि iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में क्या चेंजेस है, तो वो डिटेल लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। स्पेक्स की बात करें, सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन की। डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max में यहाँ पे सेम डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिलेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे पीशेप नॉच है ये, तो यहाँ पे आपको बता दूं ये पीशेप नॉच नहीं, यहाँ पे डायनेमिक आईलैंड जो नाम दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी कमाल का फीचर एड किया गया है इस नॉच में, जो आप देख सकते हो डायनेमिक आईलैंड जो नॉच है इसमें काफी कमाल का फीचर, जैसे कि किसी का कॉल आएगा तो यहाँ पे आप उस तरह का पूरा स्क्रीन यहाँ पे जो दिख रहा है ना नॉच में वो देख सकते हो, किसी ऐप पे स्विच करोगे तो यहाँ पे वो बैकग्राउंड में भी दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हो कैसा यहाँ पे काफी कमाल का यहाँ पे ये बनाया गया है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो काफी मजेदार और काफी कमाल का और काफी धांसू लग रहा है, काफी इंप्रेसिव भी है। तो यहाँ पे ये चीजें चेंजेस किया गया है, ये चीज लाया गया है, साथ ही साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे आईफोन के 14 सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा क्रैश डिटेक्शन, इमरजेंसी SOS ये देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक जो कि काफी कमाल का लगा मुझे, वो है सैटेलाइट कनेक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, जब भी आप किसी मुसीबत में जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, ये फिलहाल USA के लिए किया गया है, जहां भी आप कहीं चले जाते हो वहां पे नेटवर्क नहीं, या किसी मुसीबत में फंस जाते हो जहां पे नेटवर्क मिलेगा ही नहीं, वहां पे इसे सैटेलाइट के थ्रू यहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ किसी को मैसेज भेजना है यहां पे कुछ भी कर सकते हो, कॉलिंग वगैरह कर सकते हो। तो यहां पे ये काफी कमाल का लगा सैटेलाइट कनेक्टिविटी जो नाम यहां पे है, तो काफी कमाल का ये फीचर ऐड किया गया है। साथ ही साथ यहां पे बात करें कि यहां पे कैमरा की, तो कैमरा में बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है भाई साहब, बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है। 48 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिल रहा है, सीधा 12 मेगापिक्सल से सीधा यहाँ पे 48 मेगापिक्सल पे जाना, तो यहाँ पे ये बहुत काफी कमाल का चेंजेस देखने को मिलेंगे। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जो कि आपको ऑटो फोकस में आएगा, तो ये सारी चीजें आपको यहीं मिल जाती है। और सबसे ज्यादा चेंजेस किया गया है जो कि 12 मेगापिक्सल से सीधा 48 मेगापिक्सल को कर दिया गया, एक्शन मोड इसमें भी है और सारे फोन में दिया गया है, आईफोन के जो 14 सीरीज है उसमें मिल जाएंगे आपको एक्शन मोड का, तो यहाँ पे यही सारी चीजें दी गई हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें जो यहाँ पे मेजर चेंजेस थे iPhone 14 Pro में और iPhone 14 Pro Max में, डिस्प्ले की 6.1 इंच का आपको iPhone 14 Pro में मिलता है, 6.7 इंच का आपको iPhone 14 Pro Max में डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, बैटरी कैपेसिटी भी आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे iPhone 14 Pro Max में, तो यहाँ पे यही चेंजेस किया गया है। बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस की बात करें तो यहाँ पे iPhone 14 Pro की प्राइस है आपको देखने को मिलेगा इंडियन रुपीज में 1,29,900
यानी कि 130,000। आईफोन 14 प्रो मैक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बता दें 139,900 रुपया यानी कि 140,000 हुए 128 GB वेरियंट का। और यहाँ पे सिम ट्रे हटा दिया गया है यूएसए मॉडल में, बट यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, इंडिया में रहेगा या फिर नहीं रहेगा वो देखते हैं। और साथ ही साथ बताएं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे आपको iOS 16 पे देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ 5G कनेक्टिविटी मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो चेंजेस किया गया है वो किया गया है आईफोन का जो बायोनिक A16 लेटेस्ट वाला चिपसेट है उसको चेंज कर दिया गया है आईफोन 14 प्रो में और आईफोन 14 प्रो मैक्स में डाल दिया गया है। तो यही चेंजेस मिलेंगे आपको, चिपसेट चेंज मिलेगा जो कि लेटेस्ट है, काफी कमाल का, काफी दमदार है यहाँ पे है। तो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, देखते हैं कब तक ये फोन यहाँ पे आ पाता है, मतलब कि हम परचेज करने वाले, प्री ऑर्डर करेंगे और देखेंगे और टेस्ट वगैरह करेंगे। मेरे पास S22 अल्ट्रा भी है, उसके साथ भी कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने बता दिया। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में और आईफोन 14 प्रो में क्या चेंजेस है, तो एक तो बैटरी लाइफ आपको ज्यादा मिलेंगे आईफोन 14 प्रो मैक्स में, और साथ ही साथ डिस्प्ले आपको 6.7 इंच का मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी है SOS और साथ ही साथ यहाँ पे क्रैश डिटेक्शन, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा आईफोन 14 प्रो में और आईफोन 14 प्रो मैक्स में। तो यही सारी चीजें हैं। सो गाइज यही सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा फोन पसंद है, कौन सा फोन लेने वाले हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब डू नॉट फॉरगेट, तो प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।